नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। उत्तर प्रदेश में समान जो विधानसभा चुनाव हुए इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली, लेकिन लखनऊ की मोहनलालगंज विधानसभा आज़ादी के बाद आज पहली बार बीजेपी के हाथ में आई, जहां पर कहीं ना कहीं इतिहास रचने वाले विधायक अमरेश कुमार रावत से आज हम बात करने वाले हैं, उनसे आपका परिचय कराने वाले हैं कि आखिर किस परिवार से थे, किस तरह से वो राजनीति में आए और आखिर अब जो मुद्दा रहेगा वो सदन में क्या होगा, पहले किस विषय को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। देखेंगे देख रहे होंगे कि यहाँ पर उनका भव्य स्वागत अभिनंदन उनके लोग कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। हम उनसे बात करने की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि सदन में आखिर पहला मुद्दा क्या होगा जिसको लेकर अमरेश कुमार रावत जनता के बीच, जिस तरह से उनकी समस्याओं को लेकर सदन में जनता ने पहुँचाया। अमरेश जी बैठिए, मैं हम सब कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए, मोहनलालगंज विधानसभा सीट पर लगातार कोशिश रही बीजेपी की, आज़ादी के बाद से पहली बार इतिहास रचने का आपने काम किया, जनता का भरपूर समर्थन मिला, तो सबसे पहले जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता को सबसे पहले बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इस मोहनलालगंज विधानसभा को जीतने की, बहुत बहुत बधाई संपूर्ण जनता को। सर, जनता ने सदन तक तो पहुँचाया, प्राथमिकता क्या होगी और पहला जो मुद्दा है, जो समस्या है, वो सदन में क्या उठाने वाले? सबसे पहले सदन में जो रोडें हमारी आज तक बहुत खस्ता हाल हैं, जैसे नगराम से गंगागंज और खजौली से नगराम, ये कुछ रोडें 4-6 ऐसी हैं जो बहुत लोगों को आने जाने की असुविधा है, बहुत परेशानी है। इन रोडों को बनाने का काम करेंगे और सर्वप्रथम हम अपने क्षेत्र में मोहनलालगंज विधानसभा में एक कन्या डिग्री कॉलेज की हमने घोषणा की थी, लोगों से वादा किया था, उसका पूरा करने का काम करेंगे। अमरेश जी, जनता जानना चाहती है कि मोहनलालगंज से जो विधायक बने हैं अमरेश कुमार रावत, जिन्होंने इतिहास रचा है, वो आखिर किस परिवार से बिलोंग करते हैं? परिवार तो मेरे परिवार में राजनीतिक कोई नहीं रहा, मेरे पिताजी किसान हैं और पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हम लोगों को पढ़ाने का बहुत प्रयास किया और मैं 13 साल का था जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। हम 3 भाई हैं सगे और चचेरे भाई हैं, लेकिन हमारा संयुक्त परिवार है, हमारे सब लोग, कोई ये नहीं जानता कि कोई अलग है, सारे लोगों को आपस में बड़े प्रेम व्यवहार से रहते हैं सब लोग। और पहला चुनाव, इससे पहले एक चुनाव हमने लड़ा था जिला पंचायत का, विधानसभा का ये पहला चुनाव है और पहली बार हमें जीत की कामयाबी मिली है, उसमें आप सबका बड़ा सहयोग रहा, बड़ा क्षेत्र की जनता का, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का। हमारा संगठन एक सामाजिक संगठन है, पारक महासंघ, जो बीजेपी के साथ लग करके पूरा काम करता है, बहुत बहुत उनका भी सहयोग और बहुत बहुत उनका धन्यवाद। उन लोगों ने रात दिन की मेहनत करके जिताने का काम किया, हमारी पूरी जनता, यार दोस्त मित्र और जो भी लोग सहयोगी रहे, सहयोग में रहे, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और क्षेत्र में जिस तरीके से मुझे आज़ादी के से लेकर अब तक की जो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं गई, इसको खाते में ले जाने का काम किया है, इसी तरीके से मैं कुछ नया करूंगा लोगों के बीच में, जो ये लगेगा कि विधायक कैसा होना चाहिए। लोग नारे लगाते थे कि आपका विधायक कैसा हो, उस तर्ज पे मैं पूरा खरा उतरूंगा। मैंने प्लान कर लिया है, 2 ब्लॉक हैं मेरे मोहनलालगंज विधानसभा में, दोनों में एक एक कार्यालय बनाऊँगा और मैं आप सबके बीच से जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं उनको साथ में रख करके कार्यालय पे जनता की सुनवाई करूंगा, उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनको लेकर के उनका निस्तारण करूंगा और उनके बीच में रहूंगा, पूरा समय दूंगा। कहीं से उनको ये, मैंने ये भी कह दिया जीतने के बाद, मेरे जितने भी स्वागत लगे मैंने सब कहीं कहा कि आपको अब इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम आपका हम करेंगे, हम आपके बीच में रह करके पूरे जो भी समस्याएं हैं वो समस्याओं का निस्तारण करेंगे। प्रत्येक महीने में एक दिन ऐसा रखेंगे जो हम अधिकारी और कर्मचारियों से भी मीटिंग करेंगे कि हमारी जनता को उस जो अब तक हुआ पिछले कार्यकालों में वो समस्या नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि ना हमें आपसे कोई धन की उगाही करनी है, ना कुछ करना है, मुझे केवल जनता के बीच में जो एक प्यार और मोहब्बत की मिसाल देनी है कि लोगों को ये लगे। मैंने ये कहा था, मैं आपके बीच में विधायक नहीं, भाई और बेटे के रूप में रहूँगा, वो मैं पूरा करूँगा लोगों के बीच में रह करके। जी, बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? मेरे बेटा जो है आईएएस की तैयारी करता है, दिल्ली में रहता है। मेरे चुनाव में आए मेरे बेटे, बहुत मेहनत किए, एक एक दिन में 12-12, 13-13 गांव पूरा एक तरफ से भ्रमण करते थे। मेरा बड़ा बेटा जो है दिल्ली में रहता है, आईएएस की तैयारी करता है। मतलब उसे आईएएस बनाने की तैयारी पूरी पूरी। नेता क्यों नहीं बनाते? ना ना, नेता जहाँ जिस लाइन में हैं उसमें कामयाब हों वही ठीक है। अब हमने शुरुआत किया है, ईमानदारी से नेतागिरी करेंगे। जैसे लोग बदनामी वाली तो बहुत बातें सुनी है लोगों की कि नेता अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हम दिखा देंगे कि नेता कितने अच्छे होते हैं। अच्छा सर, समाज सेवा के क्षेत्र में आने की बड़ी वजह क्या रही, किस बात से प्रेरित होकर राजनीति या समाज सेवा में आना हुआ? हमने सबसे पहले 1992 में हमारे इंटर की पेपर हुए, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, मोटरसाइकिल से जा रहे थे और बीच में सुअर पिल गया था, मैं गिर गया था तो फ्रैक्चर हो गया था हाथ, तो उस परीक्षा को मैं नहीं दे पाया, देने गया मेरे वहीं बुखार आ गया। उसके बाद मैंने बीए की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद मैंने देखा लोगों के बीच में बहुत ऐसी समस्याएं, कहीं पुलिस का उत्पीड़न बहुत था, ये तो धीरे धीरे अब कम हुआ, वरना पुलिस का उत्पीड़न इतना था कि जब कभी पुलिस किसी के दहलीज पे जाती थी तो उससे बात नहीं करती थी। उनको तो जो लैंग्वेज सिखाई गई होगी जन्मजात से कि सिर्फ गाली में बात करना है, वो चीज़ें इतनी तकलीफ़ करती थी मुझे कि यार ये भी इंसान है। मैं लोगों को समझाता था कि आपस में आप लड़ाई मत करिए, अपने भाई की बात सुन लीजिए, अगर आपका बड़ा भाई या चाचा या कोई भी कुछ कहता है दो बातें गम खा लीजिए और लड़ाई को थाने तक न ले जाइए, क्योंकि वो लोग आएंगे जिनका कोई आप नहीं जानते हैं, कहाँ से हैं कौन नहीं है, आ करके माँ बहन की गाली देंगे और आप बाबूजी मुंशी जी करोगे, ये बहुत तकलीफ़ करता है मुझे, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। और मैं इस बात को मैंने अपने क्षेत्र में सभी लोगों से, मैं पुलिस विभाग से भी बात करूँगा बैठ करके कि जो भी समस्या हो वो सही ढंग से हो, जो गलत हो उसको सज़ा मिले, ना कि जो पीड़ित हो उसी को गालियां मिले, ऐसा मेरे क्षेत्र में नहीं होगा। ऐसा अगर होगा तो मैंने लोगों से जो वादा किया है वो समझिए मेरे साथ हो रहा है। अच्छा सर, मैं क्या लगता है युवाओं की नज़र में, जैसा कि आपने कहा मैं अपने बेटे को एक आईएएस बनाना चाहता हूँ, युवाओं की नज़र में आज भी राजनीति गंदी है, आप क्या लगते हैं कि परिवर्तन हुआ है? राजनीति गंदी नहीं है, जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के कार्यकाल में दिखा दिया सरकार कि कितनी अच्छी है। जो हमारे महापुरुष हुए, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, चाहे राम मनोहर लोहिया जी हों, इनके जो सपने थे उन सपनों को साकार अगर किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो इस रूप में, इनके सपने थे कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हम बराबरी का दर्जा दें, ये सपने थे उनके, तो वो सपनों को पूरा करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ने उनको आवास दे करके, उनको शौचालय दे करके, उनको किसान सम्मान निधि दे करके, फ्री में गैस सिलेंडर दे करके और आयुष्मान भारत के रूप में 5 लाख का जो फ्री इलाज का कार्ड उपलब्ध करा करके, ये उनको बराबर लाने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी योगी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो ये एक बड़ी बात है, सरकारें जो रही वो केवल बातें करती थी, लेकिन हमारी सरकार ने जमीन पे काम करके दिखाया है, इसलिए जनता पूरी खुश है और पुनः सरकार को लाने का काम किया हमारी जनता ने, मैं उस जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल आपसे करेंगे, उत्तर प्रदेश में होली का महापर्व है, पूरे भारत के लोग इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने लेकिन बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद फूलों से होली, रंगों से होली खेलकर कहीं ना कहीं शुभारंभ किया है। सर, महापर्व पे अपनी जनता को जिन्होंने आपको सर आंखों पर बैठाया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये होली का पर्व भाईचारे का पर्व है और मित्रता और रंग
गांव का त्यौहार है, आप खुशियों का त्यौहार है, आप भाईचारे का गले मिलने का मतलब है, हम भाईचारा कायम करें और भाईचारे से त्यौहार मनाइए, खुशियाँ मनाइए और अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए सब कुछ करिए। क्योंकि बहुत लोगों में ऐसी उत्साह आ जाता है जो नशे का सेवन करके और घूमते हैं, झूमते हैं रोडों पे और कहीं एक्सीडेंट होते हैं, चोट खाते हैं, अस्पताल जाते हैं। आप सोचिए, अपनी चिंता नहीं, अपने परिवार की चिंता ऐसे लोग करें जो भी भाई नशा करते हैं, क्योंकि आपके चोट खाने से पूरे परिवार की होली बिल्कुल बेकार हो जाती है। खुशी के माहौल की जगह गम का माहौल पैदा हो जाता है। कोई भी साथी नशे में रह करके होली का आनंद ना ले। होली का आनंद रंग से और फूलों से और गले मिल करके प्रेम भाव को बढ़ा करके भाईचारे को कायम करके बढ़िया भरपूर आनंद ले। हम क्षेत्र की जनता से और अपने ज़िले से और प्रदेश के लोगों को यही संदेश देंगे। आप सबसे पुनः मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि खुशी त्यौहार की खुशी को खुशी तरीके से मनाइए। कहीं ऐसा ना हो कि परिवार में किसी के गम का माहौल हो, ऐसा कभी ना होने पाए और अपने परिवार को, अपने भाई, अपने पिताजी, अपने बच्चों को, बीबी का, सबका ख्याल रखते हुए नशे से दूर रह करके पूरा खुशी का त्यौहार मनाइए खुशी से। यही मैं कहूँगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मोहनलालगंज से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले विधायक अमरीश कुमार रावत। आज उनके साथ उनके क्षेत्र की जनता भी, हम कैमरामैन से कहेंगे कि एक नज़र ज़रूर दिखाएं कि उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए ये सभी लोग आए हुए हैं और कहीं ना कहीं उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता का भी इन्होंने आभार व्यक्त किया, जिन्होंने साफ कहा कि सदन में पहला मुद्दा समस्याओं को लेकर उठाया जाएगा और कहीं ना कहीं जो कई सवाल रहे जिन पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि आखिर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले विधायक अमरीश कुमार रावत अपने क्षेत्र के लिए क्या करने वाले हैं। और आपको बता दें, नशा मुक्ति अभियान को लेकर भी महत्वपूर्ण भूमिका अमरीश कुमार रावत समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार निभाते आ रहे हैं। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।